बाबा साहब कहते हैं कि गांव की तरफ जाओ और गांव के लोगों की सेवा करो, तो ये मत तो बाबा साहब ने कभी कभी भी कहा नहीं था। ये जो कहना है गांव की तरफ जाने का इशारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी के विचार बाबा साहब के नाम पर थोपने का काम उसने किया। जय भीम, जय भारत सर। आज जागृति न्यूज चैनल के माध्यम से प्रबोधन सत्र शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रबोधन सत्र में मैं विजय कामले, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस प्रबोधन सत्र के लिए अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज भी लिए, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी हमने उनकी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं जब सामाजिक संगठन का कार्य कर रहा था, वो कार्य करने करने के लिए अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देश के हिस्सों में मैं गया जाता रहा, उन लोगों से मिलता रहा। और जब मुझे पता चला कि जब मैं 20-25 साल में साल तक इस कार्य में जुड़ा रहा, तो मैं अलग-अलग लोगों को मिलता था, कार्यकर्ताओं को मिलता था, और इस 20-25 साल का जो अनुभव है, इस अनुभव से ये जो सत्र है हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत के अलग-अलग भागों में जब गया तो मुझे चार प्रकार के कार्यकर्ता मिले। पहला नंबर का कार्यकर्ता था कि जो कार्यकर्ता को उसको अगर पूछा कि आप क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो वो कहते थे कि मैं कार्यकर्ता हूं और आविर्भाव से आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि मैं फलाने फलाने संगठन का कार्यकर्ता हूं। तो उनके कहने में एक गर्व महसूस होता था कि मैं फलाने फलाने संगठन का कार्यकर्ता हूं। मगर कार्यकर्ता होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको पता नहीं है, क्या क्या करना पड़ता है इनको पता नहीं है। खाली जैसे कि हम कार्यकर्ता बनाने के लिए लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, और धीरे धीरे वो कार्यकर्ता कब बन जाता है पता नहीं चलता, और ऐसे लोग जो है वो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। मगर कार्यकर्ता क्या चीज है इसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं मिलती। तो ये जो लोग हैं कहते रहते हैं कार्यकर्ता हूं, मगर कार्यकर्ता में जो कमियां है, खामियां है, उनको दिखती नहीं है, क्योंकि उनको गर्व होता है कि मैं फलाने फलाने संगठन का कार्यकर्ता हूं। उस पर वो विश्वास रखते हैं और विश्वास रखते रखते चले जाते हैं और 20-25 साल 30 साल तक काम करने के बाद में बैठ जाते हैं घर में, और तब उनको लगता है कि अरे मैं इस संगठन का इतने इतने साल तक कार्य करता रहा मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। ये किस संगठन का काम करते हैं ऐसा समझो। तो ऐसे कार्यकर्ता मुझे दिखे कि उनमें कमियां क्या है, खामियां क्या है, इस बात को वो जानते नहीं हैं। कभी भी किसी किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं ले लेते और कार्यकर्ता बन जाते हैं, ऐसे अंबेडकरी मूवमेंट की तरह है। दूसरी बात यह है कि दूसरे प्रकार के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि दल बदलू कार्यकर्ता, आज इस संगठन का तो कल दूसरे संगठन का, संगठन की शाखा भी बदलते रहते हैं, संगठन का प्रकार भी बदलते रहते हैं। समझो कि सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता है तो कुछ दिन के बाद अगर मिलता है तो उसको पूछा जाए कि क्या काम कर रहा है, तू कैसे कार्यकर्ता है, तो वो कहता है कि मैं धार्मिक संगठन का काम कर रहा हूं। और ऐसे ऐसे अपने जीवन में अनेक संगठन बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है, और आखिर में हताश होकर, निराश होकर वो किसी सांस्कृतिक संगठन का कार्यकर्ता बन जाता है। और ऐसा दिखता है कि अभी वो गायक के साथ में बैठकर गायक के पीछे गाने 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 का कभी कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्यकर्ता होते हैं। वो एक संगठन में समाधान नहीं है, एक संगठन में निरंतर वो नहीं काम करता, अनेक संगठन बदलते रहता है,
अनेक विषयों के संगठन बदलते रहता है, कहीं पर भी परफेक्शन नहीं रहता, ऐसे कार्यकर्ता। और तीन नंबर के कार्यकर्ता जो है, वो तीन नंबर के कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान होते हैं, बहुत ही निष्ठावान। वो निष्ठा जो है, वो निष्ठा विचारधारा के ऊपर हो सकती है, वो निष्ठा जो है वो निष्ठा अपने नेता के ऊपर भी हो सकती है, वो निष्ठा जो है वो निष्ठा अपने जो पूर्वज है, उन पूर्वजों के जो बच्चे है उन पर निष्ठा हो सकती है, क्योंकि खून है इसलिए वो उनकी निष्ठा बनी रहती है। तो ऐसे जो लोग है, ऐसे लोग शुरू से लेकर आखिरी तक उनके पीछे रहते हैं और वो कार्य करते रहते हैं। वो इधर भी नहीं देखते, उधर भी नहीं देखते, गलतियां भी नहीं देखते, सही क्या है वो भी नहीं देखते। निष्ठा उनकी विचारधारा पर रहती है, निष्ठा उनकी नेताओं पर रहती है, निष्ठा उनकी कुल पर रहती है, उनके वंश पर रहती है, और वो निरंतर चलते रहता है, एक छोड़कर दूसरा छोड़कर तीसरा छोड़कर चौथा, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलते रहते हैं, एक ही संगठन की धारा में चले रहते हैं। मगर अभी एक बात हमको ख्याल में रखनी चाहिए कि वो ये है कि वो मरते दम तक एक ही संगठन का काम करते हैं, ऐसे लोग। और दूसरी बात, तीसरा चौथा नंबर का जो कार्यकर्ता रहता है, चौथा नंबर का कार्यकर्ता वो ऐसा कार्यकर्ता होता है कि उनकी निष्ठा तो रहती है, उनकी निष्ठा रहती है, मगर वो जो है वो कार्यकर्ता कभी 20-25 साल के बाद में भी हो, या 10 साल में भी हो, या कुछ महीनों के बाद में भी हो, वो छोड़ देता है, नेता को भी छोड़ देता है, विचारधारा को भी छोड़ देता है, और वंश को भी छोड़ देता है, और अकेला अकेला कार्य जो है वो करते रहता है, ऐसे कार्यकर्ता। अभी ये जो है, ये किस कारण से वो छोड़ता है, नेता को भी छोड़ता है, वंश को भी छोड़ता है, उसके वंश को भी छोड़ता है, महापुरुष के वंश को भी छोड़ता है, वो ऐसा क्यों होता है? ऐसे जो है वो अनेक कारण है, उसमें से कुछ कारण हमको कंसीडर करना चाहिए, विचार में लेना चाहिए कि संगठन का काम अच्छा नहीं चल रहा है। उनको पूछा जाए तो बोलते कि संगठन का काम अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। कोई कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अनैतिकता हो रही है। मैं जब गुलबर्गा कर्नाटका में कार्य करने के लिए जाता था, अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं, तो गए महीने में मुझे एक आदमी मिला। लेक्चर सुनने के बाद में वो मुझे कहने लगा कि सर, हम एक काम करने जा रहे हैं, एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन होना चाहिए। तो मैंने पूछा, ठीक है, मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन क्या काम करने जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि फलाना मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, ऐसा कार्यक्रम ले रहे हैं हम। तो आप किस संगठन का काम करते हैं? तो उन्होंने कहा, छोड़ दो उस संगठन को, हमने आज तक 5-10 साल में उस नेता के साथ में काम किया, मगर वो जो है वो हमको हिसाब नहीं दे रहा है, पैसा किधर गया, कैसा नहीं, उसका क्या किया, इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे रहा है, हमको उन पर डाउट हो रहा है। और विचारधारा के बारे में पूछा तो वो आप जितनी जिस तरह से आप हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस तरह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि उनमें अनैतिकता है, अनैतिकता बढ़ रही है, अनैतिकता बढ़ रही है, इसलिए हम उस संगठन को छोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संगठन का जो काम है संगठनात्मक दृष्टि से नहीं हो रहा है, उद्देश्य और विचारधारा के प्रति काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। उद्देश्य और विचारधारा के प्रति काम होना चाहिए। संगठन का उद्देश्य जो है, उद्देश्य के बारे में अगर किसी को पूछा जाए तो कहते हैं कि क्या उद्देश्य होता है, हमको ही पता नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, ट्रेनिंग का अभाव होता है, तो इसलिए वो संगठन छोड़ देते हैं। कभी
कभी कोई कहता है कि गलत गलत विचारों का समर्थन हमारे संगठन में हो रहा है, इसके लिए हम छोड़ रहे हैं, गलत विचारों का समर्थन हो रहा है। नेतृत्व जो है वो उद्देश्य, विचारधारा और कार्य, जिसमें बहुत ही विसंगत प्रणाली अपना रहे हैं। जैसे कि अंबेडकरी विचारधारा हो, अंबेडकरी विचारधारा के बदले में वो गांधी जी की विचारधारा बीच में ला रहे हैं। एक समाजवादी एक कार्यकर्ता था, उसकी जो उम्र है, उसकी उम्र 90 से 95 तक थी। एक कार्यक्रम ऐसा था पुणे में, वो कार्यक्रम था एक कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता का सत्कार करना। बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट ने उनका सत्कार करने का कार्यक्रम रखा हुआ था, और उस कार्यक्रम में उस समाजवादी व्यक्ति को बुलाया गया था, और सारे स्टेज पर अंबेडकरवादी लोग थे, सारे सभागृह में अंबेडकरवादी लोग थे, खचाखच सभागृह भरा हुआ था। और उस सभागृह में वो भाषण करते वक्त वो समाजवादी नेता ने कहा, क्या कहा? तो पहले एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा कि आप गांव को छोड़ो और शहर की तरफ जाओ, और गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा? तो गांधी जी कहते हैं कि आप गांव की तरफ जाओ, आपको वहां पर रोजगार मिलेगा, गांव की तरफ जाओ। इस तरह से इशारा गांधी जी ने किया। गांधी जी कहते हैं गांव की तरफ जाओ, और बाबा साहब कहते हैं कि गांव को छोड़ो और शहर की तरफ जाओ। उनका क्या उसके पीछे दोनों का क्या मकसद है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों की कंसेप्ट जो है वो गांव की तरफ जाओ या फिर शहर की तरफ जाओ, ये दो कंसेप्ट है। तो समाजवादी जो आदमी था उसने क्या कहा? उसने कहा, उसकी स्टाइल भी कुछ ऐसी ही थी कि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि गांव की तरफ जाओ और गांव के लोगों की सेवा करो। बाबा साहब उसने कहा, जो समाजवादी नेता था, समाजवादी नेता बाबा साहब के बारे में कह रहा है कि गांव की तरफ जाओ और गांव की तरफ जाकर गांव के लोगों की सेवा करो। समाजवादी आदमी कहता है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से वो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब कहते हैं कि गांव की तरफ जाओ और गांव के लोगों की सेवा करो, तो ये मत तो बाबा साहब ने कभी कभी भी कहा नहीं था। ये जो कहना है गांव की तरफ जाने का इशारा गांधी जी ने दिया था, मगर गांधी जी के विचार बाबा साहब के नाम पर थोपने का काम उसने किया। तो इसलिए जो अनट्रेंड लोग हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते, ये लोग बहक जाते हैं और ऐसी विचारधारा के साथ में जाते हैं कि जो विचारधारा बाबा साहब की ही नहीं है। तो इस तरह से उद्देश्य, विचारधारा और अपने कार्य में विसंगत होते हैं। तो ये जो है, ऐसा अगर होता है तो नेतृत्व की तरफ से अगर ऐसा होता है तो ये गंभीर बात है, उसको छोड़ देने का काम करते हैं। और खुद का भी स्वार्थ होता है, जब खुद का स्वार्थ अगर वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो लोग बोलते हैं कि इस नेता का भी साथ छोड़ देना चाहिए, ऐसा भी होता है, इसके लिए वो संगठन और नेता को छोड़ते हैं। और इस तरह से और भी बातें हैं, कार्यकर्ता जो है उसको विचारधारा की स्पष्टता नहीं होती, आइडियोलॉजी की स्पष्टता नहीं होती, और ऐसे कुछ बहुत ही विषय है कि उसके बारे में अगर सतर्कता होगी तो हम उसके साथ में रह सकते हैं या फिर संगठन को छोड़ देने का काम करते हैं, निष्ठावान होकर भी संगठन को छोड़ते हैं। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि कुछ लोग, स्पाई लोग जो है, संगठन के बारे में जानकारी, उनके कार्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं और नेता को छोड़ देते हैं और अपने अपने दल में, ओरिजिनल दल में चले जाते हैं यहाँ की इंफॉर्मेशन लेकर। ऐसे भी कार्यकर्ता होते हैं। और इस तरह से चार प्रकार के कार्यकर्ता हमने देखे, और चार प्रकार के जो कार्यकर्ता है इस तरह के काम करते हैं। मगर संदेश क्या देना चाहता हूं इससे,
कि और 20 25 30 साल तक वो काम करते हैं, काम करने के बाद में स्वस्थ बैठ जाते हैं, अभी कुछ होने वाला नहीं है, ताकत भी कम हो जाती है, विचार भी कम होते जाते हैं, और हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी भावना लेकर हम घर में बैठ जाते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दो बातें इसमें हैं, एक तो स्वस्थ बैठ जाओ, मगर बैठने के लिए मैं नहीं कहूंगा, जो आपके साथ में 20-25 साल का जो अनुभव है, वो अनुभव आपकी पूंजी है, वो अनुभव आपकी पूंजी है, आप घर में बैठकर भी आप लोगों का प्रबोधन कर सकते हैं, लोगों के पास जाकर भी आप प्रबोधन कर सकते हैं, ये पूंजी आपको मिली है, वो पूंजी और दूसरे को मिलने वाली नहीं है। और इसी तरह से हम ये काम कर रहे हैं, आज मेरी उम्र है 63 साल की उम्र है, मगर 63 साल की उम्र में हमने इस जागृति न्यूज चैनल के हमारे सहकारी साथी जो है भुजबल से मिलकर हमने 3 किताबें भी लिखी है, 3 किताबों में एक कार्यकर्ता किताब है, और उस कार्यकर्ता का विश्लेषण इस चैनल के माध्यम से हम क्रमशः करने जा रहे हैं। तो लोगों को विनती है कि आप लोग घर में ना बैठे, कार्यकर्ता बनकर आपके पास की जो पूंजी है, इस कार्य के लिए, अंबेडकरी विचारधारा के लिए लगाए। अगर हम सक्षम है तो अंबेडकरी विचारधारा सक्षम हो सकती है, हम ही सक्षम नहीं है, अंबेडकरी विचारधारा कितनी भी सक्षम होकर भी वो निकृष्ट दर्जा की बन जाएगी। हमको अंबेडकर विचारधारा सक्षम अगर करनी है तो इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए, इसलिए इस चैनल के माध्यम से आज से हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला एपिसोड है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय भारत।